जो कि हमें फेस करना पड़ता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। तो उसी से रेलेवेंट हमारी कुछ बातें होंगी इसी लेक्चर के अंदर। हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको डिस्कस किया था कि व्हाट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आर रेज्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, व्हाट स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉर कंडक्ट कैन बी यूज्ड टू गाइड एथिकल डिसीजंस, एंड व्हाई डू कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट पॉज चैलेंजेस टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड लास्ट वन हमारे पास है, हाउ हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम अफेक्टेड एवरीडे लाइफ। अब हमारे पास जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एथिकल एनालिसिस के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एथिक्स की इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ की एलिमेंट ऑफ एथिकल एक्शन। की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास बेसिकली, कि हमें जो टास्क असाइन किए गए हैं हम उनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। लाइक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगर एम्प्लॉय हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो जो बातें हमें बताई गई हैं, जो 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 डिस्क्रिप्शन हमें बताई गई हैं, हमें मस्ट उनको फॉलो करना है। अगर हम उनकी वायलेशन करते हैं तो डेफिनेटली वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फैक्टर है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डेट यू एक्सेप्ट द पोटेंशियल कॉस्ट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन फॉर द डिसीजन यू मेक। अब डेफिनेटली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो उसका कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अकाउंटेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, मैकेनिज्म होता है फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबल पार्टीज। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टीज में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी पार्टीज आती हैं, लाइक कौन सी पार्टी है जिसके पास, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास कितना राइट्स हैं, और वो किस किस्म का डेटा और उस डेटा को वो किस हद तक यूज़ कर सकती है। लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें यूज़र प्रोफाइलिंग की, तो यूज़र प्रोफाइलिंग में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जी हमारे डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्या वो किसी दूसरे के साथ शेयर तो नहीं किया जा रहा है, किसी के इंडिविजुअल की प्राइवेसी को, उसकी डिग्निटी के, उसकी ऑनर का ख्याल रखा जा रहा है, उसका डाटा कॉन्फिडेंशियल है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अकाउंटेबिलिटी में आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बेसिकली क्या होती है, परमिट्स होता है इंडिविजुअल्स का एंड फर्म्स टू रिकवर डैमेजेस डन टू द टू देम। अब इसमें यदि अगर कोई भी पार्टी आपके डाटा को यूज करती है, अगर वो पार्टी किसी को डाटा आपका शेयर करती है, इवन किसी थर्ड पार्टी के साथ आपके डाटा को, आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को शेयर करती है, तो देन डेफिनेटली हमें देखना है कि जी उसके हम किस तरह से उस डैमेज को रिकवर कर सकते हैं। मे बी आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर की जाए, बाद में उसको किसी अनएथिकल या कहीं पर उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो डेफिनेटली हमें उन चीज़ों को भी मेक श्योर करना है कि अगर कोई उदाहरण खासा कोई ऐसा एक्शन होता है किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कि आपकी प्राइवेसी को शेयर किया जा रहा है, आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक आउट किया जाता है, तो आप किस तरह से उन डैमेजेस को रिकवर करेंगे। अगर ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस में हमारे पास बेसिकली राइट्स होते हैं, हम ये इख्तियार रख रहे होते हैं कि हम हायर अथॉरिटीज़ के पास जाके क्लेम कर सकें कि हमारे डाटा को बगैर हमारी परमिशन के यूज़ किया गया है, इसके ऊपर कोई ना कोई कानूनी तौर पे हम एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इनको एज अ लॉ इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। साइबर क्राइम्स बेसिकली एक हमारे पास ऐसी एक शिक है जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी प्राइवेसी को, अपने डाटा को, या हमारा वो डाटा जो इंटरनेट का पार्ट है उसको मिसयूज़ होने से बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर हम जाके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी अदालतों में जाके परसू करते हैं कि हमारे डाटा को मिसयूज़ किया गया। तो लाइक दिस अगर ड्यू प्रोसेस में अगर हम देखें तो कहता है इज़ अ रिलेटेड फीचर्स ऑफ लॉ गवर्न सोसाइटीज एंड इज अ प्रोसेस इन विच लॉज आर टेकन एंड अंडरस्टूड एंड देयर इज एन एबिलिटी टू अपील to higher authorities to ensure that the law are applied correctly. अब next हमारे पास five ethical steps है, five ethical analysis के, जिसमें हमारे पास identify and clearly describe the facts आते हैं, define the conflict and problems and identify the higher
ऑर्डर वैल्यूज इन्वॉल्व आती हैं। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट यू कैन रिस्पॉन्सिबिली टेक, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ऑप्शन। अब हमारे पास नंबर वन हम देखते हैं कि जी हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिस्क्राइब द फैक्ट्स। सबसे पहले हमें उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है कि जिन फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। उनमें नंबर वन तो पहले टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की अभी हमने बात की कि ड्यू टू फास्टेस्ट कम्युनिकेशन लिंक्स, ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ स्टोरेज कॉस्ट एंड हमारे पास और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं लाइक हमारे पास जो कंप्यूटर की पावर है वो डबल हो गई है, हमारे पास स्टोरेज जो कैपेसिटी है या स्टोरेज का जो मीडियम्स है वो हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। डेटा आपका विद इन 9 सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसी तरह हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा का जो इनपुट मेथड्स हैं वो क्या है, डेटा प्रोसेसिंग के मेथड्स क्या हैं, डेटा कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे डेटा को किसी जगह पे मिसयूज किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि डिफाइन द कंफ्लिक्ट और प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यूज इन्वॉल्व। अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है व्हाट आर द डिफरेंट पार्टीज अफेक्टेड आल्सो आइडेंटिफाई बाउंड्रीज। अब हमारे पास सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जी हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज करें कि कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो इस चीज़ से इफेक्ट हो रही हैं। हमारे पास जब तक कोई आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, बाउंड्रीज हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, तब तक हमें इन चीज़ों का नहीं पता चलेगा कि हम किसको कितने राइट्स, किसको कितने प्रिविलेजेस दे चुके हैं। और अगर हम बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो जो डैमेज है वो हम मिनिमम या उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर इंडिविजुअल के लिए एक हमें सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, बाउंड्रीज डिफाइन करना पड़ेंगी कि कौन कहाँ तक किस हद तक ये डाटा को एक्सेस कर सकता है। थर्ड वन हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स बेसिकली वो लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके उस सिस्टम का पार्ट होते हैं। और अब हम भी बात कर रहे हैं कि जी हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करें। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी में किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर्स भी हो सकते हैं, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कोई डाटा प्रोसेसिंग वाले पर्सन हो सकते हैं, कोई आपके डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं, इवन हमारे पास एंड यूजर्स है। तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चाह रही है कि हम किसी के पर्सनल डाटा को कुछ इस तरह से वो मे बी एथिकली मॉरली और सोशली इलीगल हो, मे बी आपका जो डाटा कलेक्ट करने वाले लोग हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, वो जो डाटा एंटर कर रहे हैं वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे हमें फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना है जो एज अ स्टेक होल्डर हमारे उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। आगे फोर्थ वन है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट यू कैन रिस्पॉन्सिबली टेक। अब आप इसमें देखें कि लिस्ट ऑफ एक्शंस हैं, क्या आपने कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आपने चेक करना है कि ये आपके जो चीज़ें हैं वो एथिकली सोशली और मॉरली इम्प्लीमेंट की जाएं। तो हमें इन पॉइंट्स को भी मेक श्योर करना है। एंड लास्ट वन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर ऑप्शंस। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल ऑप्शंस हैं, पोटेंशियल हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको हम लॉफुली फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स आ सकते हैं जो हमारी इन प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे, लाइक वो पॉलिटिकल वो सोशल भी इश्यूज आ सकते हैं कि हम कुछ पॉलिटिकली भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कुछ सोशली हमारे पास ऐसे सीक्वेंस बन जाते हैं, ऐसे हमारे पास वहाँ पे वो सिचुएशन बन जाती है कि हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये 5 स्टेप्स हैं जो हम एथिकल एनालिसिस के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब हम ये ना इनको वन बाय वन देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द फैक्ट्स, फाइंड आउट हाउ डिड व्हाट यू वांट एंड वेयर व्हेन एंड हाउ, डिफाइन द कॉन्फ्लिक्ट्स और डिलेमिया एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यूज इन्वॉल्व।
Ethical, social, and political issues always reference higher values. Identify the stakeholders, identify the options that you can responsibly take. Like, none of the options satisfy all the interest involved, but that some options do a better job than others. ऐसे ही फिफ्थ वन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ऑप्शन. सम ऑप्शंस मे बी एथिकली करेक्ट बट दिस एक्ट्रेस फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू. अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, अभी मैंने बताया पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, एथिकल भी हो सकते हैं और अनएथिकल भी हो सकते हैं, जो हमें इन चीज़ों के बारे में एक डेडलॉक का किरदार अदा कर रहे होते हैं, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने नहीं दे रहे होते. ऐसे ही हमारे पास सिक्स एथिकल हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, जो कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल के तौर पे जाने जाते हैं. अब हमारे पास इसमें नंबर वन पे आता है जी गोल्डन रूल्स आते हैं, एम्यूल कैंट के रूल्स आते हैं, डिस्कार्ड्स आते हैं रूल्स है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल आते हैं, हमारे पास रिस्क अवर्जन प्रिंसिपल आते हैं एंड एथिकल नो फ्री लंच रूल आते हैं. अब इसमें हमारे पास सबसे पहला जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल के अंदर हम ये बात कह रहे हैं डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू. मीन टू से हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ कोई ट्रीटमेंट की जाए, हमारे साथ बिहेव किया जाए, बिल्कुल इसी तरह ही हम दूसरों के साथ भी वही बिहेव करें. जैसे कि हमारे इस्लाम में भी है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं डेफिनेटली आप अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करें. तो हम ये कभी भी यहाँ पे कोई दो राय नहीं रख सकते कि जी हम अपने लिए सो कॉल्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बना लें और दूसरों के लिए हम उनके अंदर उन स्टैंडर्ड्स को मीट ही ना करें जो हम उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो उनको हम सर्विसेज दे रहे हैं. ऐसे एम्यूल कैंट हमारे पास कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स हैं. इफ़ एन एक्शन इज़ नॉट राइट फॉर एवरीवन टू टेक, इट इज़ नॉट राइट फॉर एनीवन. लाइक हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो सिर्फ एक किसी एक स्पेसिफिक के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे टाइम की पाबंदी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लोग टाइम पे आएंगे टाइम पे जाएंगे. तो किसी एक के लिए रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए कि वो जब मर्जी आ जाए, उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है और बाकियों के लिए ये चीज़ें बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड हैं. बिल्कुल इसी तरह अगर हम करप्शन की बात करते हैं तो जी करप्शन बेसिकली एक हमारे पास क्या है, एक एक प्लेंटी है, तो उसकी डेफिनेटली हमें कोई ना कोई चार्जेस होने चाहिए. ये नहीं है कि जी कोई एक बंदा है जो उसके उस पोर्शन का पार्ट नहीं है वो करप्शन करे तो उसके लिए कोई कानून नहीं है और अगर कोई और करता है तो उसके लिए कानून है. तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिमेट्री रखनी पड़ेगी. जब तक हम सिमेट्री नहीं लेके आएंगे, सबके लिए एक 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 ही रूल्स नहीं होंगे, एक ही रेगुलेशन नहीं होंगे, देन डेफिनेटली तब तक हम अनएथिकल जो बिहेवियर है या अनएथिकल जो हमारे पास एक्शन होते हैं जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का पार्ट बन रहे होते हैं, हम उनको नहीं रोक सकते हैं. थर्ड वन हमारे पास डिस्कार्ड्स रूल ऑफ एक्सचेंज है. वो कहते हैं इफ एन एक्शन कैन नॉट बी टेकन रिपीटेडली, इट इज़ नॉट राइट टू टेक एट ऑल. मीन अगर हमें शुरू से ही पता चल जाता है कि हमें एक एक्शन एक ये ऐसा एक्शन है जिसको परफॉर्म करने से कुछ नुकसान हो सकता है, जो बेटरमेंट की तरफ नहीं लेके जा सकता, तो डेफिनेटली हमें उसको शुरू में ही स्टॉप कर देना चाहिए. हमें उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ना कि हमें उसकी प्रैक्टिस करते रहे बाद में हमें अल्टीमेटली ये पता चले कि ये वो एक्शन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया या हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उस नुकसान को हम रिकवर नहीं कर पाते. तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए. यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है टेक द एक्शन डेट अचीव द हायर और ग्रेटर वैल्यूज. डेफिनेटली हर बंदे की ये कोशिश होती है, ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि वो अपनी तरफ से मैक्सिमम पुट करें जिससे उसको ज़्यादा उसका रिवार्ड मिल सके, उसकी प्रोडक्टिविटी हो, उसकी आउटपुट मिले. तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अदारे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, ना कि हम वो टास्क परफॉर्म करें जो सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को उसका फ़ायदा दे रहे हैं लेकिन वो अल्टीमेटली दूसरे के लिए या मुल्क के लिए नुकसान का बायस है. ऐसे रिस्क अवर्जन प्रिंसिपल हमारे पास आते हैं, टेक द एक्शन डेट प्रोड्यूसेस द लीस्ट हार्म और लीस्ट पोटेंशियल कॉस्ट. तो
डेफिनेटली वो काम करना है जिसके अंदर रिस्क के फैक्टर कम हो, यानी कि हमें वो काम करना चाहिए जिसके अंदर हमें पता हो कि हमें यहाँ पे जो मिनिमम है वो नुकसान का खदशा है। तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके रिस्क एनालिसिस करते हैं, रिस्क हम फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस हद तक रिस्क है जो हमें कहाँ तक नुकसान जा सकता है। तो ये इन प्रिंसिपल्स को भी हम, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ऐसे एथिकल नो फ्री लंच रूल है। नो फ्री लंच रूल का मतलब है कि जी कोई भी ऐसा काम बगैर परमिशन के, बगैर किसी रिवॉर्ड के या बगैर किसी लालच के, या आप ये कह सकते हैं कि किसी के कहने में आके नहीं करना चाहिए। लाइक अज्यूम डेट वर्चुअली ऑल टेंजिबल इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आर ओन बाय सम वन एल्स, देर इज अ स्पेसिफिक डिक्लेरेशन अदरवाइज। अब इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफिक डिक्लेरेशन क्या हो सकती है, लाइक के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाउंड्रीज होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए जो डिफाइन कर सकें कि कौन किस हद तक काम कर सकता है, उसके पास कितने राइट्स हैं, कितने प्रिविलेजेस हैं। इससे पहले भी हमने बात की है, बाउंड्रीज जब तक सेट नहीं होंगी लोग अपने उन टास्क को एक सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे। हमें पता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो एक ऑनर है, सीईओ है, उसके पास कितने राइट्स हैं, उसके बाद उसके जो टॉप मैनेजर्स हैं वो कहाँ तक कर सकते हैं, उसकी जो आपके पास टेक्निकल टीम है वो कहाँ तक जा सकती है, और इवन एंड यूजर्स के पास क्या राइट्स हैं। जब हर काम एक सीक्वेंस में हो रहा होगा तो देन डेफिनेटली कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपके लिए नुकसान का बायस होगा। तो ये एथिकल नो फ्री लंच रूल इसी चीज़ के डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन लॉज की, इन कोड ऑफ एथिक्स की प्रैक्टिस करवा रही होती हैं। तो प्रोफेशनल कोड एंड कंडक्ट गवर्निंग अथॉरिटीज के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का नाम आता है, इसी तरह अमेरिकन बार एसोसिएशन का आता है, ऐसे ही हमारे पास एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, ACM एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी की, और हम IEEE की बात पहले ही कर चुके हैं। तो IEEE में कोड ऑफ एथिक्स बहुत सारी चीज़ों बताता है कि जी हम कहाँ पे एथिक्स की वायलेशन कर रहे होते हैं, कहाँ पे चीज़ें हमें लग रहा है कि ये अनएथिकल थी तो हमने इनकी प्रैक्टिस की है, कौन से ऐसे पॉइंट्स से एथिकल जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं जिससे किसी की डिग्निटी, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी के राइट्स को नुकसान हो सकता है। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस करती क्या हैं? दीज प्रोफेशनल ग्रुप्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोटेंशियल रेगुलेशन ऑफ देयर प्रोफेशंस बाय डिटरमाइनिंग एंट्रेंस क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस। तो ये मैक्सिमम हद तक कोशिश कर रही होती हैं कि इन कोर्स की प्रैक्टिस करवाई जाए, हर चीज जो हर ऑर्गेनाइजेशन को कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बताया जाए, वो एथिक्स की प्रैक्टिस करें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लाइक जब हम अनएथिकल चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो डिजास्टर की तरफ जा रही होती हैं, उसमें इंडिविजुअल्स को भी नुकसान हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। तो अब आप देखेंगे, इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने एथिक्स की वायलेशन की थी, और वो दुनिया के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स थे, आज वो बहुत डिक्लाइन का शिकार हो गए हैं, आज वो दुनिया में कहीं पे भी नज़र नहीं आते। तो डेफिनेटली उन्होंने एथिक्स की वायलेशन की, कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे, बहुत सारी केस स्टडीज भी डिस्कस की जिसमें वो एथिक्स की वायलेशन करते रहे हैं, और बाद में अल्टीमेटली उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही हमारे पास रियल वर्ल्ड एथिकल डिलेमिया आता है, डेड लॉक्स, के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को अनएथिकल प्रैक्टिस की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें, इसी तरह ही वर्क फोर्स की बात करते हैं, तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं कि जो हमें लगता है कि जी ये हमें अनएथिकल जो है वो प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें आप देखें, वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूमन ऑपरेटर्स बाय एनेबलिंग कंप्यूटर टू रिकग्नाइज अ कस्टमर्स रिस्पॉन्स टू अ सीरीज ऑफ कंप्यूटराइज क्वेश्चन। इसी तरह ही अगर हम वर्क फोर्स की बात करते हैं तो रिडक्शन इन द वर्क फोर्स लीड्स टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। अब सारी बात है कि अगर हम जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो डेटा एंट्री से रेलिवेंट है, ये सिस्टम एनालिस्ट हैं या हमारे पास सिस्टम में एक्सपर्ट्स हैं,
अगर हम इनको एक मशीन के साथ या मशीनों के साथ रिप्लेस करेंगे तो देन डेफिनेटली